देखिए, आज आपने जो स्टॉक मार्केट में आज हुआ, जो कल हुआ, जो लाखों लोगों का नुकसान हुआ है और जो इकोनॉमी की हालत है वो आप सबको क्लियरली दिख रही है। कुछ दिनों से मैं कह रहा था कि ये जो कोरोना वायरस का प्रॉब्लम है बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है और उस पर भी सरकार ने जिस प्रकार से एक्शन लेना था नहीं लिया। मेरा ये सवाल है कि जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारी शक्ति है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी आइडियोलॉजी ने, उनकी पॉलिसीज़ ने नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और आज नरेंद्र मोदी जी इसके बारे में कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, उनके मुंह से इकोनॉमी के बारे में एक शब्द नहीं निकल रहा है। निर्मला सीतारमण जी को तो मतलब मैं समझ सकता हूँ क्योंकि उनको कोई ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बोल भी नहीं पाएंगी, बट प्रधानमंत्री को देश को बताना चाहिए कि वो अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कर रहे हैं और ये जो हालत बनी है ये क्यों बनी है, क्या किस कारण बनी है। ये मेरा मेन मैसेज था। रुपए की कीमत सर डॉलर के मुकाबले 75 रुपए के आसपास चली गई। हाँ, और तेल का दाम उस अपेक्षा कम नहीं हो रहा। देखिए यूपीए ने, मनमोहन सिंह जी ने इस देश की इकोनॉमी को 10 साल चलाया था। हम इकोनॉमी को चलाना जानते हैं, हम इकोनॉमी को समझते हैं। हिंदुस्तान की इकोनॉमी को नरेंद्र मोदी जी ने और उनकी पॉलिसीज़ ने नष्ट कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और जो लोग इसको देख रहे हैं, आप ये मत समझिए कि बात यहाँ रुकेगी, ये अभी शुरुआत है। जो काम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से शुरू किया था, गलत GST लागू करके किया था, उसका नतीजा आज आ रहा है और ये शुरुआत है। ये जैसे सुनामी आती है, पहले पानी निकलता है फिर बाद में पानी आता है, ये पानी निकल रहा है, इसके बाद पानी ज़बरदस्त तरीके से अंदर आएगा और लाखों करोड़ों लोगों को इस देश में नुकसान होगा। और ख़ास तौर से जो युवा इस बात को देख रहे हैं, आपको ये सवाल पूछना है अपने प्रधानमंत्री से कि उन्होंने आपके रोज़गार के लिए क्या किया है पिछले 6 साल में, क्योंकि आप ही इस देश के भविष्य हो और नुकसान होगा तो आपका होगा। जो 15-20 अरबपति हैं इस देश में, उनका नुकसान नहीं होने वाला है। आपको हाँ सर, राज्यसभा की सीटें इतनी डिक्लेयर हो रही हैं, आप मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अपनी टीम के लोगों को क्यों नहीं राज्यसभा भेजा? भैया मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं हूँ, मैं राज्यसभा के डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मैं हिंदुस्तान के युवाओं को जो इकोनॉमी है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। भैया इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, आई एम हियर मेकिंग अ स्टेटमेंट अबाउट द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस कंट्री इज फेसिंग राइट नाउ। ओके, हु इज इन माई टीम, हु इज नॉट इन माई टीम, वॉट एल्स इज गोइंग ऑन इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। वॉट इज ऑफ कॉन्सिक्वेंस राइट नाउ इज दैट मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल इन इंडिया आर गोइंग टू सफर लाइक दे हैव नेवर सफर्ड बिफोर। And frankly, I think it's insulting of you to raise such nonsensical questions, because the real issue here is what is going to happen to crores and crores of people who are going to be decimated. Let me tell you something. There is no preparation of coronavirus. I have said it again and again in my tweets. There is no preparation. The Indian government is asleep. They do not realize that coronavirus is spreading in this country. And it is going to have devastating consequences. Our Prime Minister is sleeping at the wheel. He does not understand these things. Unfortunately, I'm telling you, the Prime Minister of India is clueless about the economy, about how these things work. And we are heading on the highway for an accident. As a nation. We are heading for an accident as a nation. He's saying his ministers now will not go abroad. Okay. Sir, 22 के 22 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या आपको लगता है वहाँ? भैया आपने मेरी बात सुनी कि ये आज यहाँ पे जरूरी बात हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था है। आप
Yeah, go on. How do you respond to the fact that government says that India is not an isolated case? The world has been affected by a slowdown. And if you just look at it today, every stock market is tanked. Listen, in 2008, right, there was a shock wave similar to this. The Indian economy was protected from that shock wave by our policies. Everybody then was saying Europe has been decimated, the United States has been decimated, but our policies have protected India. What protected India at that point? Let me tell you, the informal economy of India protected India at that point. The money that people had kept in their houses protected India at that point. You have taken that buffer, you have taken that shock absorber out. Now you're going to face the full shock that you didn't face in 2008. But then you're legitimizing black money. No, I'm not legitimizing black money. I am saying that there were legitimate savings of poor people in their houses, in their villages, which you took away from them. Right? Now you're busy spending your money trying to save Axis Bank. You're taking money of, you're taking money of legitimate people from the State Bank of India and you're giving it to save this bank, right? So the whole idea is you're trying to protect your 15-20 stakeholders and you have run roughshod over the economy. And I am member of the opposition, I am seeing a tragedy unfolding. I am seeing a monumental tragedy unfolding. Well, first of all, Prime Minister should explain. You see, Prime Minister should explain to this country what his strategy out of this mess is. One second. Prime Minister should explain to this country what he thinks the strategy out of this mess is. Right? There are ways out of this mess. We are not hearing any of them. I tweeted 3 or 4 times over the last month that coronavirus is a very serious problem in India, right? Before I tweeted it, there was nothing going on. After I tweeted it, the Prime Minister made 1 or 2 sort of comments about it. But coronavirus is not just a virus that is infecting people. Coronavirus is a very, very serious problem for our economy, right? It is a direct attack on the economy. So we have to start taking emergency measures now. Frankly, it's too late, if you ask me. It's already too late. But we need to start now taking action to protect the damage that is going to happen. That is why I am speaking to you. She was waiting to ask. देखिए फिर से आप देखिए आप सुनना चाहते हो ना मैं आपको बता देता हूँ आप सुनना चाहते हो ना मैं आपको बताता हूँ देखिए ये विचारधारा की लड़ाई है क्लियर कट ठीक है एक तरफ कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी की विचारधारा है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की विचारधारा मैं जानता हूं वो मेरे साथ कॉलेज में थे बातचीत चली है मेरी मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए बट रियलिटी ये है कि वहाँ पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है जो इमोशन है वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो ये वो समझ जाएंगे एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ पुरानी फ्रेंडशिप है तो ठीक है वो फ्रेंडशिप है बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के दिल में जो है और उनके मुंह से जो निकल रहा है वो अलग अलग चीजें लेकिन मध्य प्रदेश में सरकार बचेगी राहुल आपकी मध्य प्रदेश में सरकार बच पाएगी भैया मैंने आपको बोला कि वी आर डिस्कसिंग द इकोनॉमी ऑफ दिस कंट्री राइट एंड आई एम ट्राइंग टू गिव अ मैसेज ऑन द इकोनॉमी सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन डाइवर्टिंग दैट मैसेज ओके या How do you see the states also? What kind of facilities do you think
See, I'm not an expert. I'm not an expert, and it's not my place to start giving you tactical answers to this question, that what should be done on coronavirus. There are experts who understand what should be done. I am leader of the opposition. I am signaling and I am bringing the attention of the people of India to a very serious problem. Central problem is that our biggest strength, which was our economy, has now become a huge weakness. Right? And a linked problem is that coronavirus, which is playing havoc in the rest of the world, is right now playing havoc in India. But the Indian government is pretending that it is not. The Indian government is absolutely refusing to accept that there is a problem. And so what I'm proposing is that the Indian government clearly tells the Indian people that, listen, we have a problem. This is the scale of the problem. And we need to resolve this problem. And this is how we're going to resolve this problem. None of that is happening. Right? We've gone from Prime Minister giving his Twitter account to 7 women to don't panic to no clear-cut answers to any of these problems. So that's why I want to bring the attention of people to that. Thank you.